अमित जी बात करें यहाँ से अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो जो जैसा कि आपने लास्ट टाइम बताया था कि मसालों में खरीदारी निकल के सामने आएगी, वो लेवल्स आज हम अचीव होते हुए देख रहे हैं, एक बार फिर से मसालों के अंदर बाइंग निकल के सामने आ रही है। अब आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से बाइंग ये जो आज देखने को मिली है ये सस्टेन होके रहेगी, या फिर यहाँ से एक बार फिर से मसालों के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन बनेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से धनिया में मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि 7600 के करीब सपोर्ट्स हैं और उससे बहुत ज्यादा नीचे मुझे प्राइसेस नहीं फिसलते हुए दिखती हैं या सपोर्ट लेते हुए दिखती हैं। तो हमने देखा है कि बाजार में वहां पर सपोर्ट लिया है और एक फेक घरेलू बाजार में भी मांग उभर के आई है निचले स्तरों से। मुझे लगता है कि धनिया में हमें 8400 तक के दाम दोबारा देखने मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। वहीं जीरा भी कहीं ना कहीं 14200 से 14300 के करीब स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि जीरे में मुझे अपसाइड भी लिमिटेड लगता है, 15100 से 15200 से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जो एक दायरा है जनरली स्पीकिंग थोड़ा ऊपर की तरफ रुझान जीरे और धनिया में रहने की उम्मीद है। तो ये मसाला कॉम्प्लेक्स में भी तेजी के असर दिखाई दे जी।